नमस्कार, मैं ईशा शर्मा, स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पड़ाव चौराहे के पास बने हुए होटल टूरिस्ट में लगी आग। जानकारी के मुताबिक होटल टूरिस्ट किसी कारणवश 20 फरवरी से सील कर बंद चल रहा है, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होटल टूरिस्ट में आग लग गई। लपटे जब बाहर दिखाई देने लगी, तब आसपास के दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड के अमले को सूचना दी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पानी फेंककर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण स्टोर रूम में रखे हुए गद्दे और भी अन्य सामान काफी जल गया। ग्वालियर शहर में और भी कई अन्य होटल, रेस्टोरेंट, कैफे हाउस, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिसमें आग पर काबू करने के लिए फायर सिस्टम और अग्निमिशन यंत्र उपलब्ध नहीं है। कुछ रेस्टोरेंट और कैफे हाउस में तो घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्वालियर से संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट।